हेलो, आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर की ट्रिक नंबर 24। ठीक है, तो एक अपना क्या है, टू और टू। तो इसको नॉर्मली ऐसे भी बोल देते हैं कुछ लोग, छोटा टू बड़ा टू। ठीक है, और दूसरा है अपना वेरी और टू। अब हम देखेंगे इनका प्रयोग कैसे करेंगे, अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी एग्जाम में ऐसे आ जाता है तो अपन कैसे उसको प्रयोग करेंगे। तो देखो, एग्जाम्पल देखेंगे अपन। राम इज डॉट डॉट पुअर टू बाय आ कार। ठीक है, तो राम इज टू पुअर। ठीक है, तो वहां पे अपन काय का प्रयोग करेंगे, टू आ जाए और वेरी आ जाए, तो वहां पर अपन काय का प्रयोग करेंगे, टू का। टू पुअर टू बाय आ कार। ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस आ जाए, राम इज डॉट डॉट रिच टू बाय आ कार। ठीक है, तो राम कैसा है, रिच है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, वेरी रिच। ठीक है, वेरी आ जाएगा, और इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जहाँ भी अपन को ऐसे दिखाई दिए तो अपन को एक एक निगेटिव और पॉजिटिव वाइब में इनका प्रयोग करना है। अगर कैसे आ रहा है, निगेटिव वाइब्स आ रही हैं आपको सेंटेंस पढ़ के, अपन को लग रहा है कि ये निगेटिव टाइप का है। ठीक है, तो फिर अपन क्या कर देंगे, वहाँ पर टू का प्रयोग कर देंगे। लेकिन अगर अपन को पॉजिटिव वाइब आ रही, कैसा है, वो रिच है, वो उसके पास पैसा है तो उसने कार खरीद सकता है वो। ठीक है, तो अपन काय का प्रयोग करेंगे, बैरी का प्रयोग करेंगे। ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए हमसे जुड़े रहे हैं, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब